हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता। मतलब हम लोग इस समय कैपेसिटेंस वाला लेसन स्टार्ट कर चुके हैं, ये उसका दूसरा वीडियो है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा मैं। जैसे कि आपको ये बताया जा चुका है कि कोई भी कंडक्टर हो उसकी जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो ये डिफिनीशन हमने कल डिराइव की, मतलब कंसेप्ट से दिखाया हमने कि सी हमको कॉन्स्टेंट मिला था किसी कंडक्टर के लिए। तो जैसे यहाँ पे सी है किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है एंड दैट इज रेशियो ऑफ क्यू एंड वी। तो अगर हमें किसी कंडक्टर पर कितना चार्ज है मालूम हो जाए और पोटेंशियल मालूम हो जाए तो हम इस फार्मूले का यूज करके मतलब कैपेसिटेंस उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, हमें किसी भी लिए, भाई आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ है तो एक कंडक्टर ही। किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि उसका पोटेंशियल कितना है। अगर वहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर हमको मालूम हो जाएगा, या अगर दो कंडक्टर है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर कोई एक ही कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल कितना है, मतलब उस समय उस पर पोटेंशियल रिजल्टेंट कितना है। तो पोटेंशियल अगर हमको मालूम हो जाता है, उसका चार्ज मालूम हो जाता है, तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा वी कैलकुलेट करने पर। अगर वी कैलकुलेट कर लेंगे तो फार्मूले से सी कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके पहले के लेसन से हम वी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से इस लेसन में हमारे लिए कुछ नया नहीं है, नई सिर्फ डिफिनेशन थी कैपेसिटेंस की। उसके बाद सिर्फ हमें वी कैलकुलेट करके इस फार्मूले में रखना है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाया है। अब एक चीज़ है कि जैसे सॉलिड स्फीयर हो सकता है या कोई स्फेरिकल सेल, लेकिन दोनों के लिए फार्मूला हम एक ही तरह से डिराइव करेंगे। रीजन, अगर सॉलिड कंडक्टर है भी तो जो आप उसे चार्ज देते हैं वह चार्ज उसके सरफेस पर ही रहता है। कंडक्टर मटेरियल को जो चार्ज आप देते हो सरफेस पर ही रहता है। और जो स्फेरिकल सेल होता है वो तो खोखला होता है, मतलब खोखला गोला है वो, तो उस पर तो सरफेस पर होता ही है। तो प्रोसेस दोनों का सेम होगा। अगर आप सॉलिड कंडक्टर स्फीयर लिए हैं या फिर आपने कोई स्फेरिकल सेल लिया है, दोनों के लिए आप सेम तरह डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर बना रखा है, सॉलिड स्फीयर, और जो है स्फेरिकल सेल आप ले लीजिए। इस पर हमने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर। अब देखिए, इसका जो रेडियस है, आप आर ले लो, ए ले लो, जो आपकी इच्छा हो। अब देखिए, मैं इसे आर लेने जा रहा हूँ उसकी रेडियस को। अब देखिए, इसका रेडियस हमने आर ले लिया है, ठीक। ये सेंटर आप ओ ले लीजिए। तो ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी, मतलब कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब उसके जो है सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर या स्फेरिकल कंडक्टर, जो भी आपने लिख रखा है, दैट इज वी इज इक्वल टू 1/4πε0k एंड इनटू क्यू अपान आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर की रेडियस है एप्सिलॉन डॉट, आप जानते हो कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, और के जो आपका है डायलेक्ट्रिक कोफिशियंट है उस मीडियम का जिस मीडियम में आपने इसे रखा हुआ है। अब देखिए, तो ये सब आप मतलब आपको लैंग्वेज थोड़ा सा मैं कम लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से। अब देखिए, अब ये सबसे सिंपल टॉपिक है, मतलब मान लीजिए कि इसमें कुछ है नहीं, बस मुझे पढ़ाना है इसे कुल मिलाकर पूरा लेसन पूरा करने के लिए। अब देखिए, According to definition, capacitance
ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब सबके लिए डिफिनेशन से भी कंडक्टर ही है। अब देखिए C इज इक्वल टू क्यू अपान वी ए, आप जानते हो डिफिनेशन से है, मैंने आपसे पहले ही बोला था V कैलकुलेट करके बस यहां पे रखना है। अब जब आप यहां पे C ले रहे हैं तो यहां पे क्यू अपान V की ये वैल्यू रख दीजिए आप, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। ये हुआ किसी स्फेरिकल कंडक्टर की जो है कैपेसिटेंस का फार्मूला। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इकट्ठा मालूम है आपको, जैसे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को छोड़कर इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। के आपको दिया रहेगा कांस्टेंट, मीडियम के लिए अलग अलग होता है, मतलब उस मीडियम के लिए कांस्टेंट है, हर मीडियम के लिए अलग होता है। आर रेडियस है, मतलब आप इस तरह से अगर आपको रेडियस आर, कहीं पर रेडियस ए भी यूज़ किया है, स्मॉल ए भी यूज़ हुआ है कुछ बुक्स में, यहाँ पे स्मॉल ए भी यूज़ आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका मिला। जैसे मान लीजिए कि अगर जो मीडियम है वो फ्री स्पेस या एयर है, तो फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस और एयर के इज इक्वल टू 1, देन 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 कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मतलब वही स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर ये आपका सी नॉट से आप दिखा दो, तो यहां के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से आप अलग कर सकते हैं, केस फर्स्ट लिख सकते हैं कि आपका केस फर्स्ट है। तो इस तरह से आप एक चीज और देख सकते हैं कि अगर आप यहां से, मैं थोड़ा जगह बना के लिख देता हूं, केस सेकेंड, अगर यहां पे सी अपान आप सी नॉट करते हो, सी अपान सी नॉट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो टोटल कैंसिल होकर सी अपान सी नॉट की वैल्यू के आ जाएगी, एंड के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो इस जो हमारा टर्म है पूरा, जो पूरा सी अपान सी नॉट की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। ऐसा तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। इसका मतलब अगर फ्री स्पेस में वही कंडक्टर रखा है तो उसका कैपेसिटेंस कम होता है, उसकी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन अगर उसे किसी मीडियम में रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कोफिशियंट के है, तब जो है उसका मतलब उसके जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब और कितनी बढ़ेगी, जो सी हो जाएगा आपका के सी नॉट, यहाँ पे सी नॉट वो कैपेसिटेंस है जब कंडक्टर को फ्री स्पेस या एयर में रखा गया था, और सी ओ कैपेसिटेंस है जब उसे किसी मीडियम में रखा गया था, उस मीडियम में जिसका डायलेक्ट्रिक कोफिशियंट के है। तो जो सी है हमारा वह के सी नॉट हो जाएगा, मतलब फ्री स्पेस वाली जो कैपेसिटेंस है उसका के मल्टीपल हो जाएगा कैपेसिटेंस, जब उसे मतलब मीडियम में रखेंगे आप, उस मीडियम में जिसका कैपेसिटेंस आपका के है। तो कुल मिलाकर हम इतना देख रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर को एयर से उठाकर किसी ऐसे मीडियम में रखेंगे कि उसका डायलेक्ट्रिक कोफिशियंट कैपिटल के है, तो उसका कैपेसिटेंस कंडक्टर का बढ़ जाएगा और वह के सी नॉट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पढ़ा। और सबसे बड़ी बात हमने पढ़ी कि कोई भी कंडक्टर हो, स्फेरिकल हो या कोई भी हो, हमें सिर्फ वी मालूम करना है। वी मालूम करके यहां पर रख देंगे, सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एक चीज और आप देख सकते हैं, ये तो हमारा देखिए टॉपिक पूरा हो गया है। जैसे आप देखें कि अगर हमें इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम हो, अगर हमको ये दिया हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसके भी टर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर क्यू गायब नहीं हो पाएगा यहां से। जैसे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म की जो वैल्यू होती है इसे आप सिग्मा बोल सकते हो। तो जैसे कि आप सिग्मा के टर्म में भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन वी की वैल्यू जब आप सिग्मा के टर्म में रखेंगे तो फिर यहां से क्यू गायब नहीं हो पाएगा, क्यू में फार्मूला रहेगा आपका। फिलहाल ये उसका प्रॉपर फार्मूला है। तो इस तरह से हमने स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।